जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे सब अच्छा होगा। हमारे मन में बहुत सी भ्रांतियाँ होती है, क्योंकि हमारे पास उस विषय को लेकर ज्ञान नहीं होता है। बहुत से लोग केवल ज्ञान के पैसे आपसे ले लेते हैं, तो उन्हें वो चीज़ पता होती है, आपको पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, बल्कि उस चीज़ में नॉमिनल खर्च होता है, और जो बाईपास है वो भी उन्हें जानते हैं तमाम चीज़ों के लिए। तो कोई भी परेशानी हो आपके जीवन में, उसे अच्छे से समझे, सोचे, उसके क्या क्या उपचार है, क्या क्या उपाय, और उन चीज़ों पर काम करें। और निजी जीवन में भी हम बहुत प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं, यहाँ हमें जीवन जीना महत्वपूर्ण है। ये जितने पड़ाव है जीवन के, चाहे सुख हो दुख हो, वो हमें भोगना है। और गीता की वो बात हमेशा याद रखना है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा, जो हो रहा है मेरी इच्छा से हो रहा है। तो ईश्वर की इच्छा मानकर आप आगे बढ़ें, क्योंकि ज्ञान देने वाला वही है, अक्ल देने वाला वही है, रास्ता बनाने वाला वही है, और उसकी जो मनसा है, वो जो चाहता है, वो होकर रहेगा। तो इन चीज़ों पे हमें उलझना नहीं है, हमें आज अभी इस वक्त इन हालातों में जीना है, खुलकर जीना है, हर पल का पूरा उपयोग करना है। और जो भी हमारे मन में आकांक्षाएं हैं, जो चीज़ हमें चाहिए, जिसके लिए हम तलाश रहे हैं, उसके लिए पूरे प्रयास करना चाहिए। और आप उम्र उसमें कोई रुकावट नहीं है कि आप इस उम्र में हैं, आप जितना वक्त उसे देकर उस चीज़ में काम कर सकते हैं। कई सारे लोग वो इतना नेगेटिव होते हैं कि उन्हें हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है, वो सिस्टम, समाज, तमाम चीज़ों से इतने भयभीत हुए होते हैं। देखिए, आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, और अति का तो अंत है ही सही, इसलिए आप लड़ना ना छोड़े। कोई भी चीज़ है उसमें, अगर आप सामने से नहीं लड़ सकते, तो पीछे से, पर्दे के पीछे से भी लड़ सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें आप पर्दे के पीछे से भी लड़ सकते हैं। तो आप लड़ना जारी रखें, इन समस्याओं से लड़ना जारी रखें, उन बातों से लड़ना जारी रखें, और सच के साथ रहें। क्योंकि सच सच तो सच ही है, चाहे वो आपका हो, मेरा हो, किसी का भी हो, सच सच ही है। इसलिए सब अच्छा होगा, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ आपके लिए कि आपके मन में जो धारणाएं बन चुकी है खुद के प्रति, या अपने आने वाले भविष्य के प्रति, या जो काम आप कर रहे हो उसके प्रति, उन धारणाओं को खत्म करें, पॉजिटिव माइंड सेटअप रखें, सब अच्छा होगा, अच्छे रिश्ते मेंटेन करने की कोशिश करें, लोगों से अच्छे व्यवहार बनाने की कोशिश करें। एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है जिसे आज से शुरू करना होगा, जिसका परिणाम कुछ समय में आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। इसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि बिना जाने सोचे अगर कोई अपना हो, जान पहचान का जो भी हो, आपसे कोई दुरुपयोग आपका ना हो जाए, आपके व्यवहारों का, इस विषय को जरूर आप ध्यान रखें। सब अच्छा होगा, अपने मन में ये कल्पना और ये बात को हमेशा बनाए रखें, सब अच्छा होगा। अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स में राय लिख दीजिए। जय श्री महाकाल।